वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट शो AEW प्रेजेंट 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शुरू होने वाला है। और आज यहां पर AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो पर काफ़ी कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गाइस, यहां पर 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर AEW के प्रेजिडेंट टोनी खान की तरफ से हमें यहां पर शो के ऊपर मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, जो यहां पर पॉसिबली AEW की टीवी डील हो सकती है। बट इसके अलावा AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी डायनामाइट शो के ऊपर AEW के न्यूवेस्ट साइनिंग रिकोसेट AEW के अंदर ऑर्गबली उनके करियर का बिगेस्ट मैच रसल करेंगे, जहां पर रिकोसेट शो के ऊपर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। और इन दोनों के यहां पर 5 साल पहले ड्रीम मैच के बाद अब ये दोनों पहली बार AEW पर आमने सामने होंगे, जो यहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। बट इसके अलावा डायनामाइट शो के ऊपर वुमेन डिवीजन से ब्रिट बेकर शो के ऊपर रिटर्न करेंगी, और वो उनके होम टाउन के ऊपर आज यहां पर सरीना डीप को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करेंगी। AEW के मेल डिवीजन के तरफ से शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज अपीयर होने वाले के, जो यहां पर जूस रॉबिन्सन को सिंगल मैच में फेस करेंगे। और शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW का डुअल टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर वर्ल्ड चैंपियन ब्रायन डेनियलसन AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन काजुचिका ओकादा को टाइटल वर्सेस टाइटल मैच में फेस करने वाले के। आपको क्या लगता है, ओकादा और ब्रायन में से कौन यहां पर आज डुअल चैंपियन बनेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।